बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 6, सीक्वेंस एंड सीरीज, एक्सरसाइज 6.2। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन विच A1 की वैल्यू 11 है, A1 की वैल्यू 68 है, D की वैल्यू 3 दी हुई है। मतलब n फाइंड करना है। हाउ मेनी टर्म्स जब भी आएगा तो n फाइंड करना है हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सो हमारे पास A1 की वैल्यू दी गई है 11, n की वैल्यू है हमारे पास 68 और d की वैल्यू हमें 3 दी गई है। हमें n फाइंड करना है। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की जगह उसकी वैल्यू 68 इज इक्वल टू a1 11 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर 11 प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3n माइनस 3, माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 8, तो 3n प्लस 8। यहाँ पर ये प्लस है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो 68 माइनस 8 इज इक्वल टू 3n। तो यहाँ पर 60 आ जाएगा इज इक्वल टू 3n और n की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 3, तो 30। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।